हाय गाइस, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा अगर आप लोगों का भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो कैसे उसको आप घर बैठ के कर सकते हो, वो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, आपको कहीं पे जाने का ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर बैठे अपने फ़ोन से हो या अपने लैपटॉप के थ्रू आप इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको नाम देना होगा, मैं अपना नाम डाल देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैंने अपना नाम डाल दिया है, उसके बाद नीचे जो भी है वो मैं कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस बोला गया है, यहाँ पे आपको फुल एड्रेस डालना होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको चूज़ करना होगा IPPB आधार, देन यहाँ पे नीचे आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप 0 से लेके 5 साल के बच्चे का कोई आधार एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप लोग अपने मोबाइल नंबर से आधार कार्ड का लिंक करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको करवाना होगा। ठीक है, उसके बाद रिक्वेस्ट OTP में आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म सर्विस रिक्वेस्ट में क्लिक कर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, और रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पे देखिए एक नंबर दिया हुआ है, आपको इसको कॉपी करके रखना होगा, इससे आप ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्लिक टू ट्रैक योर रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे आपको अपना नंबर को डालना होगा या अपने मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद आपको फेच में क्लिक करना होगा। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारा कुछ आ गया है, SRL नंबर, ऑफिस स्टेटस, कमेंट, रिक्वेस्ट डेट, रिक्वेस्ट सर्विस, सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसको आप कॉपी करके रखिए, नहीं तो आप मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए।